सभी देशवासियों को चित्रकूट त्रिपाठी का नमस्कार। आशा करता हूँ आप लोग बहुत बढ़िया से होंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सामान्य ज्ञान ग्रुप परिवार की ओर से मैं चित्रकूट त्रिपाठी आप सब लोगों को आज फाइनल ऊष्मा के बारे में बता रहा हूँ। एक छोटा सा पॉइंट है तो उसको लेकर चलते हैं। कुछ लोगों ने मुझसे पूछा था कि भाई बर्फ़ से भाप क्यों निकलती है, तो शुरुआत वहीं से करेंगे। लेकिन हमेशा की तरह चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दें, क्योंकि कई बार क्या होता है लास्ट में हम भूल जाते हैं। ठीक है, तो पहले ही लाइक का बटन ज़रूर दबा दें। लाइक का बटन बाद में भी आप दबा सकते हैं, पहले शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, ताकि ये दुनिया के सभी जितने भी ज़रूरतमंद लोग हैं सबके पास ये पहुँच सके। ठीक, तो अब स्टार्ट करते हैं। देखिए, ऊष्मा के बारे में मैंने उससे पहले बता दिया था, कुछ इंटरचेंज है। मैंने फर्स्ट अपनी क्लास में ये बताया था कि ऊष्मा, ऊर्जा और कार्य एक ही होते हैं, हम उसी को लेकर चल रहे हैं। ऊष्मा, ऊर्जा और कार्य एक ही होते हैं, तो इसका मतलब तीनों का मात्रक भी एक ही हुआ ना एक। तो हाँ, बिल्कुल सही आपने जज किया। जूल, जूल इज़ द यूनिट ऑफ हीट। ऊष्मा का मात्रक भी यही है, ऊर्जा का मात्रक भी है, कार्य का मात्रक भी यही है। अब देखिए, जैसे जैसे हम कोई और चीज़ करते हैं, जैसे मान लीजिए कार्य करते हैं, तो उसके अंदर न्यूटन गुणा मीटर हो गया या जो भी है, तो उसकी तुल्यता इसी, क्योंकि ये SI यूनिट है। कार्य में कुछ और में कन्वर्ट हो जाए, है ना, ऊर्जा में कुछ और में, लेकिन ऊष्मा जो है ना, ऊष्मा ऊष्मा के और भी कई यूनिट्स हैं। तो उसमें हम देखते हैं ज़रा कि किलो कैलोरी इसकी एक यूनिट है, या कैलोरी इसको हम लोग कह सकते हैं, कैलोरी, कैलोरी इसकी एक यूनिट है। तो एक कैलोरी बराबर 4.18, मतलब 4.18, 4.18 जूल इतना होता है, ये हमेशा ध्यान रखना। अगर हम बात करें 1 किलो कैलोरी की, तो 1 किलो कैलोरी बराबर होता है 4.18 किलो जूल। कुछ बच्चे 4.18 की जगह 4.2 लिख देते हैं, कोई गलत नहीं है, एकदम सही है, राउंड ऑफ करके भी लिख सकते हैं। 18-20 में क्या अंतर है, ठीक है, बहुत कम अंतर है, तो इसको हम लिख सकते हैं। देखिए, फिजिक्स के मात्रक में यही होता है। अगर आसान बनाने के लिए, क्योंकि कैलकुलेशन आगे जाके बहुत हार्ड हो जाती है, आसान बनाने के लिए कई बार इसको राउंड ऑफ कर देते हैं, ठीक, नो इशू। तो अब ये तो था किलो कैलोरी और जूल के अंदर, किलो मतलब सॉरी, कैलोरी और जूल के अंदर रिलेशन, किलो कैलोरी और जूल के अंदर रिलेशन। आप सब लोग जानते हैं किलो का मतलब हज़ार होता है, यानी अगर 1 किलो कैलोरी की बात करें, तो 1 किलो कैलोरी बराबर 1000 कैलोरी। ये तो आप समझ गए होंगे। ठीक, इसी प्रकार इलेक्ट्रॉन वोल्ट की बात कर लेते हैं, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर, ये भी एक एनर्जी का मात्रक होता है, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर हो गया 1.602 × 10⁻¹⁹ जूल। कुछ याद तो जरूर आया होगा आप लोगों को, बड़ा ही, 1.6 × 10⁻¹⁹, ये 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 इलेक्ट्रॉन के ऊपर इतना आवेश होता है, तो अगर हम उसको एनर्जी में कन्वर्ट करें तो 1.6 × 10⁻¹⁹ जूल हो जाएगा। ये आपने पहले भी जाना हुआ होगा कि 1 इलेक्ट्रॉन में इतना ही कूलाम आवेश होते हैं, तो फिर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इतने ही जूल होते हैं। कई बार क्या होता है, प्रश्न घुमा कर पूछ लेता है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने जूल होते हैं, हालांकि उसको ये पूछना चाहिए कि 1 इलेक्ट्रॉनों में आवेश कितना होता है। तो हम कहेंगे 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलाम, लेकिन उसने आवेश नहीं पूछा, उसने जूल में वैल्यू पूछ ली, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, 1.6 × 10⁻¹⁹ जूल, इतनी एनर्जी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होती है। मेरे ख्याल से अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ये कुछ रिलेशन थे जिनको आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आराम से। इतना ही प्रश्न परीक्षा में जूल से रिलेटेड इंटरचेंज पूछ लेते हैं। अब हम बात करते हैं बर्फ़ की, कि भाई बर्फ़ से भाप क्यों निकलती है। तो आप सब लोगों को बता दूं कि किसी भी पदार्थ की 3 अवस्थाएं संभव हैं, जैसा कि हमने पहले कहा था। एक होती है ठोस, ये ध्यान से देखने वाली बात है, एक होती है ठोस, एक होती है द्रव और एक होती है गैस। मैं आपको इसकी भौतिक व्याख्या देता हूँ, उसके बाद आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखिए जरा ध्यान से, उसके बाद पानी पे थोड़ा सा ये अलग लागू होता है। आज मैं कुछ आपको ऐसे चकित करने वाले आश्चर्य बताऊंगा जो मतलब आपने रियल में कभी नहीं सुने होंगे, ये मेरा पूरा का पूरा विश्वास है ऐसा। फिर भी आप एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि मतलब कि ये बात आपको कैसी लगी, ये ज्ञानवर्धक चीज़ है।
खाली ये एग्जाम के दृष्टिकोण से तो उपयोगी है ही, आपके मतलब ब्रेन को भी बढ़ाएगी। हम ये भी डिस्कशन करेंगे 2 मिनट के लिए कि भाई सर्दियों के दिनों में हमारे मुख से भाप क्यों निकलती है, बात हम उसकी भी करेंगे। लेकिन पहले ये देख लेते हैं कि ठोस क्या होता है, द्रव क्या होता है, गैस। ठोस, ठोस की क्लोज पैकिंग होती है। क्लोज पैकिंग का मतलब अणु एकदम पास पास होते हैं, एकदम पास पास, इनके बीच में न्यूनतम स्पेस होता है। इस व्यवस्था को क्लोज पैकिंग कहते हैं, यही होता है ठोस। जबकि द्रव में क्या होता है कि दो अणु आपस में एक वांडरवाल बल से अथवा हाइड्रोजन बंध से जुड़े होते हैं, अथवा कोई और आणविक बंध होता है इनके बीच में, जिसकी वजह से ये थोड़े दूर दूर होते हैं, इतने भी पास नहीं होते, इसकी अपेक्षा ये कुछ दूर दूर होते हैं। इस कुछ दूर दूर की वजह से इसमें कुछ गतिज ऊर्जा आ सकती है, गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा इसमें विद्यमान, जबकि इसमें न्यूनतम गतिज ऊर्जा होती है, सबसे न्यूनतम, ठीक है, ठोस में सबसे न्यूनतम गतिज ऊर्जा। गति कहाँ करेंगे, आपको सामने दिखाई दे रहा है, ये सारे एक दूसरे से चिपके हुए हैं, तोड़ के थोड़ी बाहर आएंगे। जबकि द्रवों में थोड़ी सी गतिज ऊर्जा होती है। उसके अलावा फिर जब ये गैस के अणु होते हैं ना, गैस के अणुओं के मध्य इतना स्पेस होता है, इतना स्पेस होता है कि इनके बीच सर्वाधिक गतिज ऊर्जा लगती है। तो जैसे ही गतिज ऊर्जा, अब देखिए, जैसे ही किसी अणु को ऊष्मा दें, क्या होगा, इसको हम ऐसे देखते हैं कि भाई सिंपल सी बात है, पुरानी फिल्मों में आप लोगों ने देखा होगा, बढ़िया से एक आदमी मशाल लेके ना किसी के पीछे आराम से पड़ा रहता है, तो वो आग देख के बंदा बड़ी तेजी से भागता है कि आग है। आपको देखिए, कोई गर्म पानी में अगर आपको ये चीज़ डालो, बड़ी जल्दी डिजोल्व होती है, बड़ी जल्दी घुलती है, जबकि ठंडे पानी में वही चीज़ जल्दी नहीं घुलती है। मतलब क्या है, जब किसी पदार्थ को, जब किसी अणु को ऊष्मा दी जाती है, जब किसी पदार्थ या अणु को ऊष्मा दी जाती है, तो वो ऊष्मा उसमें जाके गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाती है, वो चीज़ मतलब वो अणु उछलने लगता है, नाचने लगता है। कहने का मतलब ये है कि जब किसी पदार्थ को सक्रिय करना होता है या उसको अधिक गतिज ऊर्जा देनी होती है, तो आप उसको ऊष्मा दे दीजिए, वो किसी तरीके से ऊष्मा लेकर और वो क्या हो जाता है, गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाता है। तो जरा ध्यान से देखिए, जब हम ठोस पदार्थ को गर्म करते हैं तो वो द्रव में बदलता है, और द्रव को गर्म करते हैं तो गैस में बदलता है। क्यों? क्योंकि अणुओं के मध्य गतिज ऊर्जा बढ़ती जाती है, गतिज ऊर्जा बढ़ते बढ़ते गैस में बदल जाती है। अब हम बात करते हैं किसकी, बर्फ की, आइस। मैंने पहले भी आपको बताया था, -5 डिग्री सेल्सियस का आइस। उसके बाद आप इसको ऊर्जा देते जाइए, ऊर्जा देने के बाद में ये कन्वर्ट हो जाएगा किस में, वाटर में, जल में कन्वर्ट हो जाएगा, वेरी सिंपल। जबकि जल का तापमान 1 डिग्री या 2 डिग्री या 3 डिग्री होता है, जितना भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, 10 डिग्री भी हो सकता है, 99 डिग्री भी हो सकता है, लेकिन जैसे ही आप बहुत ज़्यादा इसको ऊष्मा दोगे, या अच्छा उसमें नहीं भी दोगे, आप देखिए फर्श पर पड़ा हुआ अगर एक बूंद आप 2 बूंद या 3 बूंद पानी डाल दीजिए ना, धीरे धीरे क्या होगा, वो अपने आप ही जलवाष्प में कन्वर्ट होगे और एटमोस्फियर में गायब हो जाएगा, आपको दिखेगा भी नहीं, सवाल यही अपने आप में, दिखता नहीं है। इसका मतलब जल के हर सतह से अणु उसके ऊपर पांव रख के, मतलब जल के ऊपर, जल के जो ऊपर वाले अणु होते हैं वो अपने से नीचे वाले अणुओं के ऊपर पैर रख के और उछल जाते हैं, और गतिज ऊर्जा की वजह से, भाई मैंने आपको ऊपर वाले अणु, उनके ऊपर तो कोई ऊपर वाला अणु है ही नहीं, सबसे ऊपर वाले तो वही हैं फाइनली, तो भाई वो तो गति करेंगे, तो जब वो गति करेंगे तो वो ऑटोमेटिक जलवाष्प में, यानी कि भाप, गैस में, सॉरी भाप में नहीं, गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसका मतलब गैस हमें दिखाई, जब जल जलवाष्प के रूप में वायुमंडल में होता है तो हमें ये नहीं दिखाई देता, ये बात हमेशा ध्यान रखिए। यानी कि भाप कौन सी अवस्था है, भाप द्रव और गैस के बीच की अवस्था है, भाप जो हमें दिखाई देती है, भाप, मैं इसकी कंडीशन बता रहा हूँ। जल की 4 अवस्थाएं हो गई, पहली अवस्था हो गई आइस, अब ये आपको बिलीव नहीं होगा, मैं आपको पूरा समझाऊंगा, आइस, दूसरी वाटर, और तीसरी जलवाष्प। जलवाष्प, वाष्प की बात ही अलग होती है, जबकि एक होती है जो हमें दिखती है, जिसको हम लोग भाप बोल देते हैं, भाप। भाप में क्या होता है, छोटे छोटे अणु होते हैं। अब जरा प्रोसेस को समझिए, जल के ऊपर के अणु, जैसे मान लीजिए 100 डिग्री सेल्सियस का उबलता पानी है, तो उसमें क्या होगा, बहुत ज़्यादा अणु गतिशील हो जाते हैं और भाप की मात्रा बढ़ जाती है, धीरे धीरे क्या होता है, ये भाप गैस में कन्वर्ट हो जाती है, यानी कि जलवाष्प में। अब आप कहेंगे जलवाष्प ये अलग कैसे हुई, तो बिल्कुल अलग हुई, जलवाष्प का अर्थ होता है कि जल के इतने छोटे अणु हो गए कि वो गैस में कन्वर्ट हो गए, ये हमें दिखाई नहीं देते, जैसे ऑक्सीजन गैस नहीं दिखाई देती, ये भी नहीं दिखाई देती, ये हमारे वायुमंडल में मौजूद होती है, विद्यमान होती है। होता क्या है, जैसे ही हम जल को गर्म करते हैं तो क्या होता है कि इसकी जो गतिज ऊर्जा होती है, जल की जो गतिज ऊर्जा होती है, मान लीजिए बाहर का तापमान, पहले तापांतर को देखते हैं कि भाप कैसे उत्पन्न होती है, भाप हमेशा 7 डिग्री अधिक का जब तापांतर होता है तब भाप पैदा होती है, हमें दिखाई देती है। अब देखिए वो होता क्या है, जैसे हमने एक पतीली में, एक केतली के अंदर पानी गर्म किया, पानी जैसे ही हमारे, देखो तापमान कितना है, मान लो 30 डिग्री सेल्सियस तापमान है,
जैसे ही इसका तापमान 40 डिग्री सेल्सियस पहुंचता है, हमें इसमें से भाप निकलती हुई दिखाई देने लग जाती है, इसमें से भाप निकलती हुई दिखाई देने, कारण तापांतर अधिक हो गया। तो उच्च ताप से निम्न ताप की ओर जैसे ही, अब देखिए होता क्या है कि उच्च ताप से निम्न ताप की ओर जैसे ही ये जलवाष्प निकलती है, तो जलवाष्प तो हमें नहीं दिखाई देनी चाहिए, लेकिन जैसे ही ये जलवाष्प गतिशील होकर निकलती है तो बाहर का ताप कम है, बाहर का ताप 30 डिग्री सेल्सियस है जबकि अंदर का ताप 40 डिग्री सेल्सियस है, तो क्या होगा, तुरंत ऊष्मागतिकी के शून्य नियम के अनुसार तुरंत क्या होगा, ये अपनी ऊष्मा को त्याग देगा वातावरण को, और त्यागने के बाद इसकी गतिज ऊर्जा कम हो जाएगी, मतलब जलवाष्प की गतिज ऊर्जा कम हो जाएगी, जलवाष्प की गतिज ऊर्जा कम हो जाएगी। तो गतिज ऊर्जा कम होने की वजह से इसकी स्पीड धीरे हो जाएगी, इसकी स्पीड धीरे हो जाएगी, और कुछ जलवाष्प आपस में संघनित होकर छोटे छोटे बूंदकों के रूप में कन्वर्ट हो जाएंगे, अर्थात जलवाष्प और वाटर के बीच की अवस्था हो जाती है, वो होती है भाप। आई थिंक ये बात समझ में आ गई होगी, यानी भाप की गतिज ऊर्जा जलवाष्प की गतिज ऊर्जा से कम होती है किंतु वाटर की गतिज ऊर्जा से ज़्यादा होती है, यानी बीच की है, ठीक है ना, समझ में आ गया होगा। जैसे मान लो इसकी 50 जूल है, इसकी मान लो 100 जूल है, तो इसकी 75 जूल होगी ना, मतलब वो एकदम बीच की अवस्था है, जो भाप जो हमें दिखाई देती है भाप। अब जरा समझते हैं होता क्या है, अब पहले तो ये समझते हैं कि सर्दियों के दिनों में मुख से भाप क्यों निकलती है। तो देखिए ये हमारे अंदर का वातावरण है जो कि सदैव मानव के शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस फिक्स होता है। अब गर्मियों के दिनों में क्या होता है कि 40 डिग्री सेल्सियस बाहर का तापमान होता है। एक तो पहली बात तापांतर कम, दूसरी बात जब हम सांस छोड़ते हैं तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अन्य गैसें भी होती हैं, और हमारा जो मतलब तालू वगैरह सब गीला रहता है, मुख गीला होता है, मुख में लार होती है, अंदर से कुछ जलवाष्प भी बनता है श्वसन क्रिया के दौरान, तो ये सारी चीज़ें जब बाहर आती हैं तो जलवाष्प के रूप में होती हैं, और जलवाष्प हमें दिखाई नहीं देता है, वही जलवाष्प हम हमेशा त्यागते रहते हैं। आप कभी चश्मे के शीशे पे हल्का सा फूंक मार के देखना, आपको वो धुंधला हो जाएगा, क्योंकि वो जलवाष्प होती है, जैसे ही वो सतह से टकराती है अपनी ऊर्जा, अपनी जो गतिज ऊर्जा है वो सतह को दे देती है और स्वयं जल की छोटी छोटी बूंदों में बदल जाती है। इस प्रक्रिया को संघनन कहते हैं। तो संघनन, जलवाष्प जैसे ही संघनित होता है तो पहले तो भाप में बदलता है, भाप में बदलने के बाद में जल में बदल जाता है, अगर सारे के सारे संघनित हो जाएं तो जल की छोटी बूंदों में बदल जाते हैं, समझना जरा ध्यान से। लेकिन जैसे ही सर्दियों का दिन आता है तो सर्दियों के दिन में बाहर का ताप 0 डिग्री सेल्सियस या 2 डिग्री सेल्सियस या 3 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है, जबकि ये तो 37 डिग्री सेल्सियस है। तो अंदर से जैसे ही जलवाष्प निकलती है, तो आपको पता है जलवाष्प तो बहुत ज़्यादा गति जुड़ जाए होगी, तो ये जलवाष्प हमें दिखाई नहीं देनी चाहिए, लेकिन जैसे ही बाहर आती है तो बाहर का वायुमंडल तो ठंडा होता है, तो इस ठंडे वायुमंडल में ये तेज़ी से अपनी ऊर्जा को हासिल करती है, ऊर्जा लेस हो जाती है। तो जब ऊर्जा लेस हो जाती है तो ये यहीं पर इसका संघनन प्रक्रिया चालू हो जाती है, और ये जलवाष्प भाप में बदल जाती है। हालांकि भाप में बदलने के बाद जैसे ही ये वायुमंडल में फ्री होती है, इसको वापस से ये दूर दूर हो जाती है और जलवाष्प में फिर से बदल जाती है, लेकिन थोड़ी देर के लिए क्या होता है कि ये अपनी ऊर्जा का त्याग कर चुकी होती है, और जिसकी वजह से क्या ये धीरे धीरे चलती है, तो हमें वो भाप दिखाई देने लग जाती है। मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को। उसके बाद का जो भाग है वो है कि बर्फ़ से क्यों निकलती है। तो भाई देखो ध्यान से, ये बर्फ़ है, -5 डिग्री सेल्सियस का बर्फ़ है। बर्फ़ के चारों ओर की जो वायु है, ये चारों ओर की वायु है, ये लगभग 0 डिग्री सेल्सियस या 1 डिग्री सेल्सियस के आसपास हो जाती है, इतना इतना एरिया, आप सब लोग समझ रहे हैं ये वाला एरिया, जबकि बाहर का एरिया गर्मियों के दिनों में 40 डिग्री सेल्सियस हो गया। अब देखिए गर्मियों के दिनों में ये आपको ज़्यादा भाप निकलती हुई दिखाई देगी। इसका कारण, अब देखिए जैसे अब आपको पता है कि वायुमंडल में जलवाष्प विद्यमान है, अब ये जब जलवाष्प विद्यमान है, ये जलवाष्प क्या होगा कि अब आपको पता ही कि ऊष्मा सदैव उच्च ताप से निम्न ताप की ओर आती है, तो ये जो जलवाष्प है ना, ये जलवाष्प कहाँ जाएगी, ये इस बर्फ़ के अंदर जाने की कोशिश करेगी। जैसे ही ये ठंडे में आएगी, जलवाष्प तो हमें नहीं दिख रही थी, लेकिन जैसे ही ठंडे में आएगी ये जलवाष्प अपनी ऊष्मा का त्याग कर देगी, इस एरिए को अपनी ऊष्मा दे देगी। तो जैसे ही ये अपनी ऊष्मा त्याग देती है, कौन, जलवाष्प, तो हमें दिखाई देने लग जाती है। तो यहाँ वाली तो देखो, जितनी जितनी ये पास में जाएगी, जितनी जितनी बर्फ़ के पास में जाएगी, उतनी उतनी ये अपनी ऊष्मा और ज़्यादा लूज़ करती जाएगी, हटाती जाएगी। इसका मतलब बर्फ़ के पास में तो हमें धीरे चलती हुई दिखाई देगी भाप, जबकि बर्फ़ से जितना दूर जाएंगे वो हमें तेज चलती हुई दिखाई देगी। तो हमें लगता है बर्फ़ से वाष्प बाहर निकल रही है ना, तो लेकिन यहाँ आते ही गायब हो जाती है, ये एक्चुअल में बाहर की जलवाष्प होती है जो इसके साथ अटैच होकर, और मतलब अटैच होने की कोशिश करती है और भाप में बदल जाती है। मेरे ख्याल से आपको इसका उत्तर ज़रूर मिल गया होगा। मैं सिर्फ आपको इतना ही समझाना चाहता था कि जलवाष्प और भाप
ये अलग बातें हैं। यानी भाप क्या है जो हमें दिखाई देती है, वेपर क्या चीज़ है? भाप जो है जो हमें दिखाई देती है वो तो है पानी और जलवाष्प के मध्य की चीज़, मतलब गैस के रूप में तो हम जलवाष्प के रूप में बोलते हैं, जो वायुमंडल में विद्यमान होती है। आप देखो कोई भी, जैसे मान लीजिए आप चाय वगैरह बनाते हैं तो आप देखते हैं थोड़ी देर के लिए तो जैसे ही तापमान बढ़ता है ना तो उसमें से भाप निकलना स्टार्ट हो जाती है, भाप निकलना स्टार्ट हो जाती है। ये जो भाप निकलती होती है ये ऊपर जाके यानी वायुमंडल में गायब क्यों हो जाती है? इसका कारण ये है कि भाई नैसर्गिक सी बात है, नेचुरल सी बात है कि जो जल के ऊपर वाले अणु होते हैं ये सदैव क्या करते हैं, ये जलवाष्प के रूप में ही रहना पसंद करते हैं। अर्थात जल के किसी भी तापमान पर वाष्पीकरण की प्रक्रिया तो होती ही रहती है, उससे वो वाष्प निकलती रहती है। हमें वो वाष्प दिखाई नहीं देती है, तब दिखाई देती है जब, ध्यान देना, तब दिखाई देती है जब ये भाप यानी ये वाष्प अपने आसपास अपनी बहुत सारी ऊष्मा निकाल दे। यानी जब ये वाष्प ठंडे में प्रवेश करती है, तापांतर में, अधिक ताप से निम्न ताप की ओर गति करती है, तब हमें ये भाप दिखाई देने लगती है, नहीं तो नहीं दिखाई देने लगती। आप देखिए समुद्र तल जो है, समुद्र तल पे कितना सरफेस है, उस सरफेस से इतनी भाप, इतनी वाष्प वाष्पित हो जाती है, हमें दिखती है क्या? नहीं दिखती, लेकिन इतनी हो जाती है कि बादल बन जाते हैं। सोच के देखिए आप, संघनन की प्रक्रिया द्वारा जैसे ही वो ऊपर जाती है और तापमान उसका कम होता है तो वो पहले तो वाष्प भाप में कन्वर्ट होती है, उसके बाद वो कणों पर लग जाती है, कणों पर लगने के बाद वो धीरे 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 आवेशित होकर और एक बादल का रूप ले लेते हैं। बाद में ये बूंदे जब आपस में मिलते हैं बड़ी होकर वर्षा कर देते हैं। तो ये सारा का सारा जो खेल है ना ये प्रकृति का, ये वाष्प पर निर्भर करता है। मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आज ये छोटा सा ही मैंने पॉइंट लिया है। आप लोगों को आज की वीडियो कैसी लगी अवश्य बताइएगा, आज की क्लास कैसी लगी अवश्य बताइएगा, नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर कोई संशय रह गया है तो मैं और प्रैक्टिकली इसको समझा दूंगा। किताबों से अभी तक मैंने इतना ही निचोड़ निकाला था, ठीक है, फिर भी अगर आपको कोई संशय है तो अवश्य नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है। इसके साथ ही आज की क्लास के लिए मैं आप लोगों से विदा चाहता हूँ। नमस्कार।